अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट डे स्ट्रेटजी, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले अगर लास्ट डे की बात की जाए तो लास्ट डे में आपको क्या करना चाहिए, पास पेपर्स को फोकस करना चाहिए। सो मैं क्यों कह रहा हूँ, लेट्स चेक इट आउट। अभी आप एमसीक्यू देख सकते हैं, माई फ्रेंड हैज़ अ फाइन डैश ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स, ठीक है। ये एमसीक्यू है हमारे पास, जो कि आप देख सकते हैं किसका है, FMDC 2014 का, लेकिन ये FMDC 2022 में आया हुआ था, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ पास पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी MCQ का रिपीट हो जाना बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे बात एक ही नहीं है, अगर FMDC की बात करें, बहुत सारे MCQs मैंने सैंपल के तौर पे कुछ रखे हुए हैं। अब ये एक पड़ा है, ठीक है, रिचुअल मीन्स, अब ये 2022 में आया हुआ था जबकि ये भी 2014 का MCQs है। इस तरह अभी काफ़ी सारे MCQs हैं, 2015 में हैं, 2016 में हैं, जो कि मतलब आगे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जिस भी सूबे से हैं, आप जिसका भी पेपर देना, पास पेपर का आपने एक ही MCQ आपको आता हो। इन केस अगर वो रिपीट हो जाता है या पूरा का पूरा पेपर उठा के दिया जाता है, तो आपके लिए वो फिर एक मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। लेकिन अगर नहीं भी होता, कुछ भी 4 से 5 MCQs भी रिपीट होते हैं, तो काफ़ी बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब ये वाला MCQ देखें, इज अप्रिशिएटेड फॉर बींग एम्बेक्सट्रियक्स, ठीक है, एम्बेक्सट्रियक्स। अब ये जो है नम्स में आया हुआ था, और ये FMDC 2014 का क्वेश्चन है। तो देखें कैसे नम्स वालों ने इनके MCQ उठा के दिए हैं, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है, अगर आप दे रहे हो नम्स, अब मेरा अपने सजेशन सुनो, अगर आप दे रहे हो FMDC, ठीक है, तो आपने FMDC और नम्स दोनों के पास पेपर करने हैं। अगर आप दे रहे हो नम्स, तो उसके लिए भी आपने नम्स और FMDC दोनों के पास पेपर करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि देखिए सिलेबस सेम है, एक तो सिलेबस सेम है, दूसरा ये है कि FMDC भी फेडरल की बुक को फॉलो करता है, और जो नम्स है वो भी फेडरल की बुक को फॉलो करता है, तो इसलिए ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और सवाल आया हुआ था कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है, स्टेटमेंट ये वाली रॉन्ग है कि भाई जो है एक्शन और रिएक्शन एक बॉडी पर एक्ट नहीं करते, एक्ट करते हैं, ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब ये भी नम्स 2022 में आया हुआ था, जो कि मैंने FMDC के पेपर्स में पास पेपर में वो प्रैक्टिस की है। और भी काफ़ी सारे ऐसे MCQs हैं, ठीक है। तो आपने ये करना है कि अगर आपने इन दोनों में से कोई भी देना है, तो आपने इन दोनों के पास पेपर करने हैं। अगर आपने पंजाब का देना है तो UHS का करो, ठीक है। अगर सिंध का देना है तो NTS और इन सब के जो है डाओ वगैरह के करो। अगर इसी तरह बलोचिस्तान से देना है तो बलोचिस्तान के, और इस तरह KPK के, ईटा के, जितने सारे, ठीक है। तो पास पेपर किसी भी सूबे के हो ना, आपने पास पेपर सारे करने, ठीक है। अब करने कैसे हैं ज़रा वो सुन लो। करने का ये है कि पास पेपर करो, ठीक है, जो भी मिस्टेक्स होते हैं लिखते जाओ उनको, मतलब उनके नोट्स बना लो, वो मिस्टेक के जो है लिख लो, लिख के नोट बना लो, ठीक है। तो वो आपके काम आएंगे, मतलब जब आप MD कैट करीब होगा, 1 से 2 दिन पहले आप उसको इजीली बैठ के उस पर पूरे के पेपर जो मिस्टेक थी उनको आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि जो ठीक है वो तो ठीक है, लेकिन जो मिस्टेक है आप समझ सकते हो मुझे भूल जाएंगे, वो भी लिख लो, तो वो आपको याद रहेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट। अब बात करते हैं कि ये आपको मिलेंगे कहाँ से। तो मिलने के लिए मैं बेस्ट सोर्स आपको बताने लगा, पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा शेयर किया, दैट इज़ premed.pk। मैं अभी बैठ के यहाँ पे सवाल हल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं मुझे फॉलोइंग पार्ट लेबल एज 5 जो है इसमें देखें, सो दैट इज़ अ पेनक्रियाज, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो है बाइल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो सॉरी दैट्स नॉट बाइल, स्टोर बाइल, ठीक है। यहाँ गाल ब्लेडर है, सॉरी, ठीक है, गाल ब्लेडर है, यहाँ पे जो है हमारे पास बाइल स्टोर होगा, ठीक है। तो ये आप डिटेल नीचे एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। स्ट्रक्चर 5 गाल ब्लेडर, लेवर प्रोड्यूस बाइल विच इज स्टोर्ड इन गाल ब्लेडर, इज कनेक्टेड थ्रू सिस्टिक डक्ट। अब ये MCQ है कि भाई कौन सा डक्ट है, दैट इज सिस्टिक डक्ट। तो ये बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज्वाइन करें। कैसे करना है, अब आपको क्योंकि चाहिए दोनों के पास पेपर, तो आपने यहाँ से आना है प्राइसिंग में, ठीक है। प्राइसिंग में आने के बाद ना आपने यहाँ से ऐड टू कार्ट कर लेना है, किन किन को आपने कर लेना है, एक MD कैट क्वेश्चन बैंक को, ठीक है, इसको कर लेना है, और दूसरा कर लेना है जी नम्स क्वेश्चन बैंक को, ये नीचे आगे नम्स क्वेश्चन बैंक। जब इन दोनों को कर लेंगे, लेट्स वो मैं आपको मौके तौर पे करके दिखा देता हूँ, मैंने कर लिया, ठीक है, ऐड टू कार्ट हो गया, यहाँ से गो टू कार्ट कर लें, ठीक है। अभी मेरे पास आ रहा है, यहाँ पर आपने कोपन कोड यूज़ करना है, दैट इज़ UNS 300। अप्लाई करेंगे 15% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 150 रुपये मिला है, तो 850 रुपये के आपको मिल रहे हैं, ठीक हो गया, क्लियर। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं और आपको मिल जाएंगे, सही है, ज़बरदस्त। और इसी तरह आपको कोई भी कहा, ये तो मैंने आपको मतलब एक डेमो के तौर पर दिखाया, क्योंकि मेरे सारे बंडल ऑलरेडी बाइड हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ तो आप ये चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नम्स क्वेश्चन बैंक, मोक्स और नीन क्वेश्चन बैंक वगैरह बाय किए हुए, ठीक है, क्योंकि एक ही का मैं दे नहीं रहा, तो वो मैं बाय नहीं किया हुआ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल, उम्मीद है कि बहुत अच्छी, मतलब मैंने कोशिश अपनी की है कि जो आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करूँ, ठीक है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।